गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियल पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, मध्य प्रदेश। मैं आज आपको ट्रेसर टेक्निक के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। लॉकडाउन की इस घड़ी में पेंटियल पॉइंट टेक्निकल कॉलेज ने यह डिसीजन लिया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो का फायदा उठाइए और घर रहकर अपनी पढ़ाई कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हुए इस टेक्निक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेसर टेक्निक, इसका दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, पहला है ट्रेसर और दूसरा है टेक्निक। ट्रेसर का मतलब है किसी चीज को ट्रेस करने वाला, ट्रैक करने वाला, किसी चीज को पकड़ने वाला। जैसे किसी का मोबाइल कभी खो जाता है, चोरी हो जाता है या गिर जाता है, तो उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। कभी कोई थ्रेट कॉल्स आती हैं, तो थ्रेट कॉल्स कहां से आई है उसको भी ट्रेस किया जाता है। पुलिस की जो आईटी सेल है, साइबर सेल, वो उस कॉन्टेक्ट नंबर को ट्रेस करती है कि वो फोन कहां से किया गया है। हमें यहां पर ट्रेसर टेक्निक को किस रेफरेंस में पढ़ना है, उसका सेंस क्या निकलेगा, हमें वो समझना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसे जानना, पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है। इस टेक्निक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। इमेजिन कीजिए किसी व्यक्ति के घर में चोरी हुई, चोर उसके घर में प्रवेश करता है, चोरी करता है और वो चला जाता है। मगर क्या हम उस चोर के रास्ते को ट्रेस कर पाते हैं? कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। मगर अगर ऐसा हो कि जिस रात चोरी हुई उस रात अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई है और बारिश होने के बाद अगर वो चोर घर में प्रवेश किया है, तो उसका रास्ता ट्रेस कर पाना थोड़ा आसान होता है, बिल्कुल होता है। मगर कैसे? बारिश के कारण जो मिट्टी बाहर गीली हो चुकी है, वो मिट्टी जब उस व्यक्ति के पैरों में लग जाएगी और वो चोर जब घर में एंटर करेगा, प्रवेश करेगा और घर के अंदर जहां जहां भी वो जाएगा, उसके कदमों के साथ साथ उसके कदमों में लगी हुई, उसके पैरों में लगी हुई जो मिट्टी है वो भी उसके साथ जाएगी। तो चोर उस घर में जहां जहां से होकर गुजरेगा वो मिट्टी भी उसके साथ साथ वैसे ही जाएगी। और उस मिट्टी के कारण ये ट्रेस कर पाना बड़ा ही आसान हो जाता है कि चोर कहां से घर में प्रवेश किया और कहां से वो निकल गया। जंगलों में कौन सा जानवर किस दिशा में गया है यह कैसे पता किया जाता है? वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि मिट्टी में जानवरों के चलने के जो फुटप्रिंट्स हैं, जो निशान पड़ते हैं, उन फुटप्रिंट्स के द्वारा एक्सपर्ट्स ये पता कर पाते हैं कि ये फुटप्रिंट्स किस जानवर का है और वो किस दिशा की ओर गया है। लेकिन हमें इस टेक्निक के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना। हमें इस टेक्निक, ये हमने उदाहरण जो बताया उसका रिलेशन इससे जरूर हो सकता है, ये टेक्निक उस पर आधारित जरूर है, मगर इस टेक्निक का उपयोग कहां पे कर रहा है हम ये अब पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारे पाथवेज सुने हुए हैं। जैसे आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस का नाम सुना है, आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल का नाम सुना है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का नाम सुना होगा। ग्लाइकोलिसिस हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी मेटाबॉलिक पाथवे, एक्चुअल में इट्स अ कैटाबॉलिक पाथवे, जिसमें 6 कार्बन का बना हुआ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 10 एंजाइम कैटलाइजेशन से होते हुए अंत में 3 कार्बन के बने 2 पाइरूविक एसिड में बदल जाते हैं। मगर ये रास्ता हमको पता कैसे चला? हमने किताबों में पढ़ तो लिया, लेकिन किसी ने तो इसको पहली बार खोजा होगा कि ग्लूकोज से पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना और अंत में उसका एंड प्रोडक्ट क्या है। तो ऐसे विभिन्न पाथवे, दूसरा एग्जांपल इसे क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में भी एसिटिल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसिटेट के साथ कंडेंसेशन करते हुए सिट्रेट बनाता है, डायसोसिट्रेट, सिसाइक्लोनेट, अल्फा केटोग्लूटेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटेट। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। आखिर इन सब इंटरमीडिएट्स के बारे में हमको पता कैसे चला? किसी ना किसी ने तो उसको ट्रेस किया होगा। तो ऐसे ही मेटाबॉलिक पाथवे को ट्रेस करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ट्रेसर टेक्निक।
मतलब इस टेक्निक में हम एक ऐसे कंपाउंड का, एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें ये जानकारी देता है कि कोई मेटाबॉलिक पाथवे में शुरुआत कहां से हुई, कौन कौन से स्टेप्स हुए, क्या क्या बने और अंत में क्या बने। इस टेक्निक को यूज करने के लिए हमें यूज करना पड़ता जो हमारा ट्रेसर है। ट्रेसर मतलब कि वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो ट्रेस करेगा, जो हमको जो पकड़ेगा, जो बताएगा कि पहले से कंपाउंड से क्या बना, फिर क्या बना और अंत में क्या बना। तो जरा हम उस वो ट्रेसर क्या है, वो कंपाउंड क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। असल में हम बात कर रहे हैं यहां पर रेडियो आइसोटोप्स की। केमिस्ट्री में आप लोगों ने आइसोटोप पढ़ा होगा, ऐसे एलिमेंट जिनका एटमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटमिक मास अलग होता है। यहां मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। कार्बन, कार्बन का एटमिक नंबर 6, एटमिक मास 12। ऑक्सीजन एटमिक नंबर 8, एटमिक मास 16। लेकिन इन्हीं का आइसोटोप, आइसोटोपिक फॉर्म क्या है? कार्बन का एटमिक नंबर 6 लेकिन एटमिक मास 14, 12 की जगह पर मास हो गया 14। ऑक्सीजन एटमिक नंबर 8 और एटमिक मास 16 से हो गया 18। तो ये जो कार्बन का और ऑक्सीजन के ये जो दोनों फॉर्म है, ये है हमारे आइसोटोप्स। हमें इन्हीं को यूज करना है मेटाबॉलिक पाथवेज को ट्रेस करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनके पाथवे को पता करने के लिए। मगर ये काम कैसे करते हैं? आप लोगों ने एटम के बारे में जरूर पढ़ा होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो रेशियो है, ये उस एलिमेंट की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो बैलेंस्ड है तो एलिमेंट भी बैलेंस्ड होगा, अगर ये अनस्टेबल है तो वो आइसोटोप भी अनस्टेबल ही होगा। ये वैसे ही अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप्स। तो ऐसे आइसोटोप्स खुद को स्टेबल करने के लिए, स्थिर करने के लिए, ये अपने से एनर्जी को, रेडिएशन को एमिट करते हैं। जब रेडिएशन, वो एनर्जी जब इनसे एमिट होती है, तो ये तब तक एमिट होती है जब तक ये स्टेबल ना हो जाए, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो स्थिर ना हो जाए। तो हमें इन्हीं आइसोटोप्स को यूज करना है मेटाबॉलिक पाथवे को ट्रेस करने के लिए। एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लाइकोलिसिस, जिसमें शुरुआत होती है 6 कार्बन के बने ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पहले बदलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यह 6 कार्बन पोजिशन पर फॉस्फेट जुड़ गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसके बाद आगे और भी स्टेप्स है, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, देन 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोनॉल पाइरुवेट और फाइनली पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार 6 कार्बन का बना हुआ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 3 कार्बन के बने हुए 2 पाइरुविक एसिड में बदल जाते हैं। मगर यह पूरा रास्ता हमको पता कैसे चल पाता है? हमें करना क्या होगा इस ग्लूकोज के साथ, इसका तरीका क्या है, टेक्निक। अब टेक्निक की बात, कि टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि हमें जिस मेटाबॉलिक पाथवे को ट्रेस करना है उसकी शुरुआत में, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से शुरुआत है, तो हम ग्लूकोज से किसी एक कार्बन पर हम इन आइसोटोप्स का इस्तेमाल करें, C14 का इस्तेमाल करें। आप लोगों ने सुना भी होगा कि फॉसिल्स की एज पता करने के लिए लोग कार्बन डेटिंग करते हैं, C14 का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। ये डायनासोर वगैरह इन सबको पता, इनकी एज वगैरह पता करेंगे, कार्बन डेटिंग की जाती है। लेकिन हमारे इस ट्रेसर टेक्निक में, इस मेटाबॉलिक पाथवे को ट्रेस करने के लिए हमने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में हमारा जो शुरुआती जो कंपाउंड है ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के एक कार्बन पोजीशन पर हमने इस आइसोटोप को C14 को अटैच कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे उस चोर के पैर में मिट्टी लगी हुई थी, तो जैसे चोर जहां जहां जाएगा वो मिट्टी भी उसके साथ गई, उसके फुटप्रिंट्स पड़ते चले गए, उसी प्रकार से ये ग्लूकोज जिस जिस रूप में बदलता जाएगा, तो ग्लूकोज तो बदलेगा लेकिन इसके साथ साथ आगे की ओर ट्रांसफर कौन होगा, ये आइसोटोप ट्रांसफर होगा। आप समझ पा रहे हैं कि जैसे उस चोर के पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, वो चोर ने जहां जहां भी गया, जहां जहां उसके पैरों के कदम गए,
उसके पैरों के अंदर की छाप फर्श पर पड़ी, वैसी ही छाप यहां पर भी पड़ रही है इस रास्ते में भी। वो छाप किसकी है? इन आइसोटोप्स की है। और इनके अलावा और कई सारे आइसोटोप्स हैं जिन्हें हम इस ट्रेसर टेक्निक में बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक पाथवेज को ट्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इन आइसोटोप्स को हमने किसी एक कार्बन पोजीशन पर अटैच कर दिया। अब ये जिस जिस फॉर्म में बदलते जाएंगे, फॉर्म बदलते जाएंगे और इनके साथ साथ वो आइसोटोप जिसको हमने अटैच किया है वो भी आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे को बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। हमें डिटेक्ट करना, पता करना है वो कैसे करेंगे। हमें करना क्या होगा कि अपने ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में, मतलब ग्लूकोज के साथ जब हमने आइसोटोप को जब अटैच कर दिया तो अटैच होने के बाद हमें एक्सपेरिमेंट के बीच बीच से सैंपलिंग लेना करना पड़ेगा, सैंपल को सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेशन के लिए हम HPLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इन सेपरेशन टेक्निक का, इन बायोफिजिकल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन टेक्निक के द्वारा सेपरेशन तो होगा, मगर जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड को हमने यहां पर, सॉरी रेडियो आइसोटोप हमने यहां पर अटैच किया है, उसकी रेडियो एक्टिविटी को पता करने के लिए हमें इन टेक्निक के साथ यूज करना पड़ेगा डिटेक्टर्स। वो डिटेक्टर्स इन कंपाउंड के साथ कौन कौन जितनी रेडियो एक्टिविटी है उनको डिटेक्ट करेंगे। तो साथ साथ में सेपरेशन भी होता जाएगा, रेडियो एक्टिविटी भी मेजर होती जाएगी। और इस तरीके से शुरुआत जहां से हुई और अंत जहां पर हुआ, हम उस पूरे के पूरे रास्ते को, पूरे पाथवे को ट्रेस कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप्स बने, उन पूरे स्टेप्स को हम ट्रेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरे जीव जंतुओं में जितने भी प्रकार की पाथवेज हैं, जितने भी पाथवेज चलते हैं, आप ये बात बड़े अच्छे जानते हैं कि सारे मेटाबॉलिक पाथवेज बड़े कंट्रोल्ड मैनर में चलते हैं, उनका एक प्रॉपर रेगुलेशन होता है। लेकिन इन पाथवे का स्टेप्स क्या है, कितने स्टेप्स है, कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उनको पता करने के लिए हम यहां पर ऐसे आइसोटोप्स का यूज करते हैं। पाथवे को ट्रेस करने के साथ साथ हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में, जैसे कि हमने अभी ग्लूकोज का ही बात किया, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है वो ग्लाइकोलाइसिस क्रैब्स साइकिल एंड पूरी प्रोसेस होने के बाद उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन एरोबिक भी होता है, एनारोबिक भी होता है। तो हम ये भी पता कर सकते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन, मेटाबॉलिक पाथवे का मोड ऑफ ऑपरेशन पता कर सकते हैं। फेट क्या है उस कार्बन का, फेट क्या है, हम ये भी पता कर सकते हैं। So, ये एक शॉर्ट वीडियो था ट्रेसर टेक्निक पर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इस टेक्निक को समझने में शायद थोड़ा बहुत ही सही बट बेनिफिशियल जरूर साबित होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो उस सजेशन को आप हमें बताएं भी। जो डाउट होता है उसे हमें आप चैट के द्वारा जरूर पूछें। थैंक यू।